नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 संचयन का पाठ गिल्लू का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले क्लास 9 क्लास 10 का कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर समरी और फुल एक्सप्लेनेशन। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी मैं गिल्लू पाठ का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। लेखिका महादेवी वर्मा इस कहानी में गिल्लू यानी गिलहरी के चंचलता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें उसके बचपन से मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। लेखिका कहती हैं कि एक दिन सवेरे अचानक कमरे से बरामदे में आकर उन्होंने देखा दो कौए गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौए उसको खाना चाह रहा है। वह बेहोश अवस्था में गमले से चिपटा पड़ा है। सबने कहा कौए के चोंच से घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु लेखिका का मन नहीं माना और लेखिका उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसकी नन्ही सी मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें मुंह के दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे तक लगातार उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोएं और झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। लेखिका उसका नाम गिल्लू रख दी और गिल्लू कहकर बुलाने लगी और उसको एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर खिड़की में तार से बांधकर लटका दी। वहीं 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर घर में झूला झूलता और अपनी कांच की मनकों की आंखों से भीतर और बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकला पर सबको आश्चर्य होता था। जब लेखिका लिखने बैठती तो वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वह लेखिका के साथ खेलना चाहता था। कभी लेखिका गिल्लू को पकड़कर लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारे शरीर लिफाफे के अंदर बंद रहता, फिर उसका सर ही ऊपर रहता। वह लिफाफे में से चुपचाप लेखिका को देखते रहता और लेखिका अपना कार्य करती रहती। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो लेखिका को सूचना देता कि काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में बाहर वाले पंजों से कुतरता रहता। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के बाहर पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त यानी स्वतंत्र करना आवश्यक है। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। उसे बाहर निकलना बहुत ही अच्छा लगा। इतने छोटे से जीव को लेखिका को कुत्ते बिल्ली से भी बचाना एक समस्या थी। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरी के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान में फूलों में छिप जाता तो कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका लेखिका से लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की लेखिका के साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं है, पर गिल्लू इनमें अपवाद था। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका उसे थाली के पास बैठना सिखाया और खाना खाना सिखाया, जहां बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी ही सफाई से खाते रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था।
मतलब भोजन था, और कई दिन तक काजू ना मिलने पर अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका को मोटर दुर्घटना से घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। सब उसे काजू दे जाते, परंतु जब लेखिका अस्पताल से लौटकर झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे पता चला कि वह इन दिनों अपना प्रिय भोजन कितना कम खाता रहा, यानी लेखिका के नहीं रहने के कारण उसे चिंता सता रही थी। वह अपना खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। लेखिका बीमार होती थी तो वह उनके सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। लेखिका को ऐसा लगता था जैसे कोई सेविका उनको सेवा कर रही है, सहला रही है। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने लेखिका के निकट रहने और गर्मियों से बचने के लिए नया उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार उनके निकट भी रहता और ठंडक भी पाता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उस दिन भर उसने कुछ नहीं खाया और न ही बाहर गया। रात में वह झूले से उतर कर और लेखिका की ओर देखा, लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। लेखिका जब देखी कि गिल्लू का हाथ पर ठंडा हो रहे हैं, तब उन्होंने हीटर जलाया और उसको गर्म सेक भी दी, लेकिन सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी उसकी मौत हो गई। लेखिका को इस बात से बहुत गहरा धक्का लगा, वह काफी दुखी हो गई। लेखिका ने उसके मृत शरीर को सोनजूही की लता के नीचे दफना दिया गया, क्योंकि सोनजूही उसे बहुत ही प्रिय था। लेखिका को विश्वास है कि वह गिल्लू सोनजूही की लता के ऊपर पीली फूल बनकर आएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि लेखिका महादेवी वर्मा को पशु पक्षी से कितना लगाव था। इस पाठ से वे संदेश देना चाहती हैं कि प्रत्येक मनुष्य को पशु पक्षी से भी प्रेम करना चाहिए। तो आशा है बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।